आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन की इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और इसके बारे में स्टडी करना है कि ये क्या होता है कैसे होता है सो so बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की और उसमें एक पार्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन का स्पोर फॉर्मेशन होता कैसे ये सी अगर देखें तो ये प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का जो मोस्ट कॉमनली फंगाई में फॉर्म होता है इसके इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन होता है और जैसे इस पोरोगोनियम कई सारे एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं देन जैसे मान लीजिए ये पूरा हाइफे ये पूरा राइजोपस का है ये स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस सो so, यहाँ पे देखिए जैसे ही ये प्लांट ग्रो अप कर रहा है राइजोपस जो है वो ग्रो अप कर रहा है तो यहाँ से स्पोर्स स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है अब धीरे धीरे जैसे ये बढ़ तो ये स्पोर्स निकल के अलग हो जाते हैं और नए नए ऑफ स्प्रिंग बना लेते हैं सो so यही इसमें होता है लेट्स सी इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमनली फाउंड इन फंगाई सबसे ज्यादा फंगाई में ये पाया जाता है सम कोकाई एंड बेसिलस बैक्टीरिया कुछ कोकाई में भी और कुछ बेसिलस बैक्टीरिया बैक्टीरिया की एक कैटेगरी होती है बेसिलस उसमें ये पाए जाते हैं सो so उसका जो रिप्रोडक्शन होता है फंगाई का कोकाई का और बैक्टीरिया का ये सब स्पोर फॉर्मेशन से

पोर इस स्ट्रक्चर में ये जो का स्ट्रक्चर है यहां पे न्यूक्लियस जो होता है देखो न्यूक्लियस बनता है उसी में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है डिवाइड हो जाता है तो सबसे पहले कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं है ना डिवीज़न हो जाता है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है देन ये सारे न्यूक्लियस सेपरेट होने लगते हैं थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म सेल के. के पास एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म तो सबको साइटोप्लाज्म लेके ये सब अलग अलग स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं उट होने लगते हैं बाहर चले जाते हैं और नए नए हाइफेंस बना लेते हैं मतलब नए इंडिविजुअल्स ऑफ स्प्रिंग कहें तो बना लेते हैं बेसिक एग्जाम्पल है इसका राइजोप जो, जो यहाँ पे भी दिया हुआ है आपको गोटेट तो ये था स्पोर का फॉर्मेशन स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोई प्रॉब्लम है कोई कंफ्यूजन है सो यू आर फ्री टू आस्क आई विल गिव यू आंसर टेक केयर गुड बाय